जंगली दुनिया जितना दिलचस्प आपको लगता है ये उससे कई अधिक रोमांचक भी है। अगर हम इस दुनिया का सटीक विश्लेषण करें तो हमें इसके बुद्धिमत्ता की जटिलता का एहसास होगा। जानवरों का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ है। यहाँ समय समय पर जानवरों के जीवन के हर कदम पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और सौभाग्य से ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसे हम जंगली जानवरों के साम्राज्य के सटीक क्षण हमें और आपको करीब से देखने की अनुमति देते हैं। जैसे जहरीले जंगली जानवर जो बेहद खतरनाक होते हैं, इसी तरह के सात जंगली जानवरों की लड़ाइयों को लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए आप भी पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इन जानवरों में लड़ाई अब शुरू ही होने वाली है। लेकिन ये याद रखें कि हमेशा मजबूत शिकारी जानवर ही लड़ाई को नहीं जीतता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही वीडियो देखना बेहद पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 1000 लाइक आ जाएंगे तो हम इसका पार्ट 2 भी जरूर लाएंगे। चीता वर्सेस लियोपॉड। चीता और लियोपॉड दोनों बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों में से एक हैं। वैसे तो दोनों का मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि हर एक की अपनी अलग एक खासियत है जो इन्हें विशेष बनाता है। जैसे कि तेंदुआ जो हर एक युद्ध में अपनी बेहतर काया की वजह से श्रेष्ठ होता है, तो वहीं दूसरी ओर चीता है जो कि एक पेशेवर धावक है, जो जमीन पर सबसे तेज भागने वाले जीव में से एक है, जो अपनी पूंछ को सही डायरेक्शन में भागने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों, तेज गति हाथापाई वाले लड़ाई में मदद नहीं करता है। अफ्रीकी सवाना में आया ये तेंदुआ जल्द ही इस क्षेत्र पर आक्रमण करेगा और चीता भी झाड़ियों में आराम कर रहा है। जैसे ही तेंदुआ चीता के पास गया, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऐसा युद्ध जिसे देखकर सांसें रुक जाए। आखिरकार ये दोनों काफी फुर्तीले और बेहद मजबूत हैं, जो आसानी से मरने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी एक की जान जाने के बाद ही ये युद्ध खत्म होगा। चीता और तेंदुआ दोनों ही अधिक पुण्य शिकारी हैं और तेंदुआ अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा मजबूत साबित होता दिख रहा है। और दोस्तों, गति तभी अच्छी होती है जब आप जानते हो कि आप तेज निकल सकते हो। अगर ये चीता यहाँ से भागे तो ये निश्चित रूप से जीवित रहेगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि तेंदुआ इसे दौड़ में पकड़ पाएगा। एलिगेटर वर्सेस एलिगेटर। आप और हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ हर समय का सबसे खतरनाक और डरावना रेप्टाइल्स है। मगरमच्छ बहुत तेज और मजबूत जीव होते हैं और इसी के बदौलत झील के किनारे एक ही प्रजातियों के बीच की ये युद्ध कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे हम करीब से देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ। एक साथी जब उसके आगे से गुजर रहा है तभी दूसरा उस पर हमला कर देता है और उसके पूंछ को दबोच लेता है और उसकी चुनौती को तुरंत गुजरने वाले मगरमच्छ ने स्वीकार कर लिया और वो भी बहुत ही तेजी से उसके शरीर को दबोच लेता है। इसी तरह ये युद्ध काफी देर तक चलता है और एक दूसरे को काटते फिरते हैं। फिर पहले वाला मगरमच्छ ने पानी में ले जाने के लिए धक्का देता है। पानी में जाने के बाद भी पहले वाले मगरमच्छ ने हमला किया लेकिन नाकाम रहा। वैसे देखा जाए तो ये लड़ाई में कोई भी जीता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अंत में लड़ाई ही छोड़ दी। वाटर मांटिस वर्सेस लिजर्ड। वाटर मांटिस एक तरह का कीड़ा है और हमने कहा था कि हमेशा मजबूत शिकारी जानवर ही लड़ाई को नहीं जीतता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। वैसे ये मांटिस भी अपने शिकार में माहिर होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके ऊपर कोई हानि ना आए इसके लिए ये अपने रंग को भी बदलता है। लेकिन अगर इसका सामना गिरगिट से होगा तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? गिरगिट जो केवल अपने जीभ से बहुत बड़ा और अधिक घातक वार कर सकता है, लेकिन यहाँ गिरगिट इस मांटिस को खाने से पहले कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते हैं। वहीं गिरगिट अपना मुंह खोलकर हमले की धमकी देता है। तभी चलाक मांटिस ने उसके गर्दन को अच्छे से जकड़ लिया, उसके बाद जोरदार काटने लगा। गिरगिट को जबड़े में दर्द महसूस हो रहा था लेकिन वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। लेकिन गिरगिट के झटका देने पर मांटिस ने गिरगिट को छोड़ दिया, लेकिन इस प्राकृतिक के शिकारी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से गिरगिट पर हमला कर दिया। वैसे गिरगिट ने भी भ्रमित करने के लिए गर्दन को इधर से उधर किया, लेकिन चालाक मांटिस ने उसके गर्दन को ही पकड़ लिया और उसके दांत रेजर की तरह होते हैं जो जल्दी काट कर छेद कर देते हैं। और यहीं इस गिरगिट का अंत था।
हिप्पो वर्सेस हिप्पो। ये दुनिया का तीसरा सबसे भारी जमीनी जानवर है और ये अपने वजन के साथ साथ बेहद खतरनाक जानवर भी है और इनके जबड़े में असाधारण शक्ति होती है जिसे खोलकर ये सभी जानवरों को डराते हैं। अब देखिए, जब एक पूरी तरह से औपचारिक मुठभेड़ में जब दो प्राकृतिक के दिग्गज मिलते हैं तो क्या होता है। पहले वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने सामने वाले हिप्पो को चेतावनी दिया कि वह उसके क्षेत्र में प्रवेश ना करे, लेकिन उसके बाद भी वो हिप्पो फिर से आता है और पानी में उतर जाता है। फिर पिछला हिप्पो भी पानी में आकर उसे चेतावनी देता है, लेकिन अब जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों ने बराबर ही जबड़े को खोला और एक दूसरे को धक्का देने में लग गए। फिर इस हिप्पो ने उसे नदी से बाहर निकालने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि वह इस जंग को नहीं जीत सकता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। रेगिस्तान वाइपर वर्सेस कैट। आपने भी इस रेगिस्तान के इस भयानक वाइपर के विष के बारे में सुना होगा, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन होता है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति और हमारे खून को नष्ट करने में सक्षम है। यह हमारी कोशिकाओं को और तंत्रिका तंत्र को भी गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ लड़ाई एक बिल्ली से होने वाली है जो कि पहले से ही प्राकृतिक शिकारी है, जो अपने तेज पंजों से किसी को घायल कर सकती है। तो चलिए देखिए कि ये कैसे लड़ती है। बिल्ली पहले सांप को अपने पंजों से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वाइपर भी हमले का तेजी से जवाब देता है, लेकिन बिल्ली बड़े ही चालाकी से अपने पंजों से उसे मारती है और बड़ी ही सोच समझकर बिल्ली सांप को पंजा मार रही है। आखिरकार सांप बुरी तरह से घायल हो चुका था। किंग कोबरा वर्सेस पाइथन। किंग कोबरा और पाइथन जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे थे, तब पाइथन को कुछ खतरा महसूस हुआ और वहां से भागने लगा, लेकिन तभी किंग कोबरा उसे काटने लगता है। भले ही पाइथन का साइज छोटा है, लेकिन वो हर वार को अच्छे से हैंडल कर रहा था और किंग कोबरा को जकड़ कर रखा था। तभी किंग कोबरा ने उसे अपने मुंह में दबोच लिया, जिसके कारण पाइथन को कोबरा का शरीर छोड़ना पड़ा। काफी देर तक लड़ने के कारण दोनों थक चुके थे और वहां से चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको इन जानवरों की लड़ाई पसंद आई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, और 1000 लाइक अगर आ जाएंगे तो मैं खुद ही इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि ऐसे ही आप अनोखी और इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए थ्रिलिंग फैक्ट। जय हिंद।